गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको यह पर्टिकुलर बैंक की यह पर्टिकुलर सर्विस कैसे अवेल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, यह सर्विस अवेल करने के लिए आपको वो बैंक की ब्रांच पे जाना होगा और वहाँ से आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, ओके, यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करने का जो फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म या मल्टीपर्पज फॉर्म, या सिंपल आपको वो ब्रांच पे जाके बताना है कि मुझे यह पर्टिकुलर सर्विस अवेल करनी है तो उसके रिलेटेड मुझे फॉर्म दीजिए, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे भरते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो फॉर्म कैसा रहता है एंड उसको कैसे फिल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्रांच का नेम लिखना है, ओके, यानी आप कौन सी ब्रांच में ये कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं वो ब्रांच का नेम, ओके। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट लिखेंगे, यानी कौन सी डेट को आप ये रिक्वेस्ट अवेल का फॉर्म वहाँ पे देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बॉक्स में आपका अकाउंट नंबर लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी, यानी जब भी आपको पासबुक मिली रहेगी तभी कस्टमर अकाउंट नंबर के साथ आपका कस्टमर आईडी भी वहाँ पे होगा, ओके। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नेम लिखेंगे, ओके, मिस्टर है, मिसिस है, मिस है, जो भी है वो यहाँ पे टिक करके, यानी काट के यहाँ पे आपका नेम लिखेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपका चेक कहीं पे खो जाता है, ओके, या आपने किसी पार्टी को चेक वो दिया है और वो आपको स्टॉप कराना है, ओके, यानी अभी आपको वो नहीं देना है, तो उस केस में आप जे कॉलम पे टिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टॉप पेमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स मेंशन करेंगे चेक नंबर, चेक की डेट, यानी चेक के ऊपर कौन सी डेट डाली थी वो, एंड पेई, ओके, यानी पेई में किस पार्टी का नाम लिखा था वो पार्टी का नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म पे देख सकते हैं टैक्स रेसिडेंस इंफॉर्मेशन, ओके, ये फ्रेंड्स आप अगर यूएस, यूके या कोई अदर कंट्री के रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपको ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप ये लेफ्ट यानी खाली छोड़ सकते, ओके। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पे डेट लिखेंगे, यानी कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करने वाले है वो डेट, एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, ओके, यानी आपने अकाउंट ओपन करते समय जो सिग्नेचर किया रहेगा वही सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। अगर आपका करंट अकाउंट है, ओके, तो यहाँ पे आप अपना प्रोप्राइटर वाला या पार्टनरशिप वाला वो सिंबल लगाएंगे एंड सिंबल के बीच में आप साइन करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए। ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।